इट्स माय बर्थडे अर्जुन, ये अगले महीने नहीं आएगा। अगले साल तो आएगा। मेनी बॉयफ्रेंड्स टू बी प्रीवीत गाइस, पढ़ाई की अंदर। थैंक यू सो मच। ये वही जगह है जहाँ पे हैरी पॉटर लिखी गई थी। 350 रुपए का बर्फ। 10 स्टेप्स चढ़ने के बाद आपकी इन्फ्लुएंसर शालिनी। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज माय फर्स्ट डे इन ग्लासगो। आई हैड अ गुड स्लीप, मैं 7 से 8 घंटा सोई और अब अच्छा लग रहा है, वरना कल रात को तो ऐसे डीजी डीजी सा गोल गोल घूम रहा था सब कुछ। आई डोंट थिंक सो कि मुझे जेट लैग हुआ है, बट आई स्टिल वांट टू कीप टुडेज डे वेरी इजी पीजी। ज्यादा कुछ करना नहीं है मुझे। आई एम एट दिस 4 BHK अपार्टमेंट। इट्स अ ब्यूटीफुल अपार्टमेंट जहाँ पे परीक्षित रहता है, एंड दिस इज हिज रूम एक्चुअली दैट आई हैव हाईजैक्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो ओनर है इस अपार्टमेंट की अलवा, वो रहती है, उनका अलग रूम है, एंड देयर इज अनदर फ्लैटमेट लीजा, उनका अलग रूम है। वेदर आउटसाइड इज सो गुड एंड सो क्लीन ऑल्सो। सांस लो तो ऐसा लगता है वाह, लगता है सारे लंग्स की प्रॉब्लम ठीक हो गई मेरी, वैसी वाली फीलिंग आती है। ऑल्सो जब मैं सुबह उठी तो मुझे कार की हॉन्किंग की आवाज नहीं आई, तो देट वॉज अनदर एक्सपीरियंस। क्योंकि जब मैं मुंबई के फ्लैट में उठती हूँ सुबह सुबह, तो मैं गाड़ियों की आवाज से उठती हूँ। तो अभी हम लोग कॉफी पियेंगे एंड देन वी विल हेड आउट टू ग्लासगो यूनिवर्सिटी, जो परीक्षित का यूनिवर्सिटी है। इट्स सो ब्यूटीफुल। किचन एरिया इज सो क्यूट। दैट्स ट्रीकल्स बर्तन। वी आर हैविंग कॉफी, बाहर जा रहे हैं हम लोग। चलो 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 चलो। बस धूप आई है। This is what Parikshit has gifted me. I'm going to wear this today to go to university. मैं पढ़ती तो नहीं हूँ, but मैं इसे student vibe दिलाऊंगी। Established at 1451. कितनी पुरानी university है ये। So this is the gift that I got for Alva. I'm going to give this to her. ये Indian कुर्ता जो मैंने आपको दिखाया था। I got something from India for you. Oh, thank you very much. Oh, hold on there. Yes. Oh, wow. It's Indian kurta. Thank you. Yeah, I will try that one. Can fit you. Yeah, I think so. Well, yeah, it's 80. Oh, that's thank you so much. Thank you. And I got my love for you. That's all she needs. मैं और परीक्षित निकल चुके हैं ब्रंच करने के लिए। I'm wearing Glasgow वाला sweatshirt जो परीक्षित ने मुझे गिफ्ट किया। It is a sunny day and परीक्षित और अलवा बता रहे थे कि ऐसा यूजली होता नहीं है। So it's me guys, I'm the lucky one for these people. So let's have food. So hungry. It is a busy road but still there is no honking. But look at these buildings. Parikshit bata raha tha, these are called tenement buildings. और सारे बिल्डिंग का यू कैन सी जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो एकदम सिमिलर है। वी आर एट दिस ब्यूटीफुल कैफे कॉल्ड एपिक्योर्स। अभी परीक्षित अंदर गया फूड मेन्यू मांगने के लिए। हाउ प्रिटी इज दिस कैफे लुक। ऊपर कितना सुंदर लग रहा है। अंदर भी बैठ सकते हैं, बाहर भी बैठ सकते हैं, हम लोग ने बाहर प्रेफर किया। आर यू हैप्पी आई मेड इट टू ग्लासगो? आप इतने शांत क्यों है? क्या हुआ, ब्रिटेन की हवा लग गई आपको? शांत सुशील बच्चे बन गया। मैं शांत कब नहीं था, हमारे घर में अशांति का ठेका पल्लवी श्रीवास्तव ने उठाया हुआ है। मैं तो शांति रहता। दैट्स योर सिस्टर यू आर टॉकिंग अबाउट। तमीज से बात कर, देखेंगे तमीज से बात कर, ठीक है। फूड इज हियर, दिस इज शक्शोका। बेसिकली पोस्ट एग में वेजिटेबल्स चिकपी वगैरह ऐड किए उन्होंने, एंड दिस इज बटर मिल्क चिकन बर्गर। हम लोग का ब्रांच हो चुका है। आई कांट गेट ओवर हाउ प्रिटी माई बैकग्राउंड लुक्स। अभी कॉफ़ी ऑन द गो लिया है और हम लोग एस्टन लेन में हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं परीक्षित के। दिस इज द मेन गेट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, बिल्ट इन 1451। 600 साल पुराना। सो सुंदर, द स्काई इज ऑल्सो सो ब्यूटिफुल। सो ये जो टू टू आवाज़ आ रही है ना, वो वहाँ से आ रही है। तो वहाँ पे आपको प्रेस करना पड़ता है वॉकिंग के लिए, फिर आपको कुछ सेकेंड्स देता है वो वॉक करने के लिए। यहाँ पे सब यूनिवर्सिटी की चीज़ें आपको मिलेंगी। There are some फ्रिज मैगनेट्स। ओ पोस्ट कार्ड्स। आप लोग ने कभी किसी को पोस्ट कार्ड लिखा है? मैंने आज तक नहीं लिखा। एंड दे हैव वेराइटी ऑफ स्वेट शर्ट्स ऑल्सो। आई तो ऑलरेडी गॉट वन, बट आई रियली लाइक दिस पिंक वन। लुक, दिस पिंक वन इज सो प्रिटी।
How much is this for? 45 pounds. 4,500 rupees का ये. Hi Daya. क्यों? चीजें overpriced हैं. चश्मा लगाए सर पे. Do you know that? मेरा चश्मा. Parikshit wants to explain something about the statins. This is designed specifically for University of Glasgow. मतलब ये जो the choice of colors plus the patterns in which order they will be put. And so this is uniform. I mean designers sat on it like hundreds of years ago. This is for University of Glasgow. किसी और university के लिए होगा तो वो दूसरा होगा basically. इनके हर उसमें दिखता है. Unique info in the bow also. इसपे लगता है ना यहाँ पे. इसको लड़के पहनते हैं इस यूनिफॉर्म को. दिस इज लाइक ट्रेडिशनल वेयर ऑफ स्कॉटिश मैन. एंड आई विल टेल यू अ ट्रू स्कॉट्समैन व्हाट्स कॉल्ड अ ट्रू स्कॉट्समैन इज दे डोंट वेयर एनी अंडरवेयर अंडर रियली नो मैटर हाउ कोल्ड इज दैट. सो दैट्स अ साइन ऑफ अ ट्रू स्कॉट्समैन. दिस इज एक्चुअली माय फुल आउटफिट जो मैं आपको दिखा नहीं पाई थी. मैंने इसको ऐसे टाई कर लिया क्योंकि गर्मी लग रही है. इवन दो वी आर नॉट बाइंग एनीथिंग क्योंकि एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव इनसाइड दिस बट इट्स सो फैसिनेटिंग टू सी एवरीथिंग यू नो. हम कहां जा रहे हैं? Walking towards the cloisters. वो क्या है? Common classroom. I mean it's not classes लगते हैं. ये सब classrooms हैं. हाँ, this is where our classes are. People don't understand right how old this university is. This was first established in year 1451. Christopher Columbus was yet to discover America. Mughals were yet to come to India. Copernicus was yet to prove that the earth revolves around the sun and not the other way around. And Rome was yet to be sacked. Imagine. This is the fourth oldest university in the all English speaking world. I can't walk on the grass because it's bad luck for people who have not graduated yet. ऐसा बोला जाता है कि आप फेल हो जाएंगे. तो जिस दिन लोग ग्रेजुएट होते हैं उस दिन वो सबसे पहले घास में जाके लौटते हैं. पर वहाँ पे लिखा है प्लीज कीप ऑफ द ग्रास. तो यहाँ लोग डायरेक्टली नल से पानी पी लेते हैं क्या? ये कैसे? मतलब मुझे तो फर्स्ट डे मतलब कल रात को जब मैं पी रही थी परीक्षा से, हाँ खोल के पी लो ठीक है. और अभी हम लोग यूनिवर्सिटी के चैपल में आ चुके हैं. यहाँ पे इतनी शांति लग रही थी ना मुझे. दिस वॉज कॉन्सिक्रेटेड इन 1929. इट इज डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ फॉर्मर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी हु डाइड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और जी हाँ, इस चैपल में शादियाँ अभी भी होती हैं. बड़ी यूनिवर्सिटी की मुझे लगता है मैं सब कुछ कवर तो कर नहीं सकती. बट आई रियली वॉन्टेड टू सी द लर्निंग हब जिसके बारे में मुझे जैसे ही अंदर आई ना तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन परीक्षित ने एक साथ दे दिया कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो आते हैं साथ साथ, इट्स ओपन फॉर पब्लिक, वो लोग आके भी यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं. दे ऑल्सो हैव एक्सेस टू इंटरनेट, फ्री इंटरनेट दिया जा रहा है यहाँ पे फॉर विजिटर्स. दे स्पेसेस टू सिट इन ईच एंड एवरी कॉर्नर. थोड़ा प्राइवेसी के लिए भी रूम्स बनाए गए हैं विच इज़ सो अमेजिंग. मतलब आप बहाना बना ही नहीं सकते कि यू नो आई डोंट हैव स्पेस टू स्टडी, लाइक गो टू दिस हब एंड देन स्टडी. इंडिया में ऐसा कुछ मुझे मिलता तो भी नहीं पढ़ती हूँ. मुझे पता मैं बहाना निकाल लेती कि नहीं 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 होगा. दिस इज परीक्षित बिजनेस स्कूल. दिस इज द न्यू बिल्डिंग जो हमने पहले देखी थी ना, दैट वाज द ओल्डर वन. पढ़ाई की आपने? पढ़ाई की अंदर जाके? यहाँ करना पड़ता है. व्हाट अ अपग्रेड यू गॉट ना फ्रॉम टीआईटी टू ग्लासगो यूनिवर्सिटी. मेजर लाइफ अपग्रेड दिस इज. आई लव सच किड्स. वाओ, इसको जहां मौका मिलता है बस अपना बाल सवाना शुरू हो जाते हैं. आई नीड अ हेयर कट. Access. This is the class. It's a mic. Box mic, so that gets tossed around the class whenever. See something in it? Hello. Has a access to microwave. Wow. Classroom ke bahari. Access to coffee machine. Thak gayi, uthao. Uthao. Mera. Abhi se. थक गए. पूरी यूनिवर्सिटी तो नहीं घूम पाई मैं. और घूमना था मुझे. और घुमाओ यूनिवर्सिटी, और घुमाओ.
यूनिवर्सिटी हम लोग कितने घंटे से, 2 घंटे से हम लोग यही आसपास घूम रहे हैं। पर किसने बोला तुम्हें कि अभी पूरा घूमे, अभी दिस इज नॉट इवन 10%। व्हाट, अभी रात के 8:30 हो रहे हैं और फिर भी इतनी रोशनी है बाहर, एंड इट्स माय बर्थडे इन इंडिया करेंटली, तो मेरे अपनी भाई बहन से भी बातें चल रही थी एंड ट्रिकल कुकू कर रही, क्या हुआ ट्रिकल? कल हम लोग मेरे बर्थडे के लिए एडिनबरा जा रहे, कल जाएंगे और कल ही वापस आ जाएंगे। आई एम गोना प्रेफर दैट। और अभी परीक्षित की एक फ्रेंड आ रही है, उनको ये रूम देखना है जो परीक्षित का रूम है, वो क्योंकि आई थिंक 5th or 6th July तक ये रूम परीक्षित छोड़ देगा एंड वी विल पैक एवरीथिंग एंड गो टू लंडन। हिज फ्रेंड इज गोना स्टे इन दिस रूम। बाय द वे, इस रूम का रेंट इज अराउंड 75,000 to 80,000 पर मंथ। Yes, just the room, but you can use the drying area and also the kitchen and washing machine, everything is included. I'm gonna go give Lisa's gift, who is Parikshit's flatmate. Meet Lisa. Hi Lisa. Hello. So you're, I'm so sorry, your regional languages, you speak, what language do you speak? Ukrainian. Okay, Ukrainian. Yes. She's from Ukraine. So yeah. How to say hello in Ukrainian language? Privet. Всем привет. Privet. Exactly. Privet, Lisa. It's dinner time and I'm making patta gobi. This is for 3 to 4 people. And meet Shruti. Hello Shruti, how are you? Good. How's food? No, mummy. Kya hai, mummy? Bahut yummy hai, okay. How's food, Shruti? And look at her, my vacuum cleaner. Personal vacuum cleaner. Chahiye unko. De do kuch. My sabhi doggo. उसका पूरा ध्यान उसके प्लेट में है। पर गुड थिंग अबाउट हर इज दैट कि वो ऐसे ना चढ़ चढ़ के मांगती नहीं कि दो, या फिर शी डज नॉट वाइन, शी जस्ट वॉचेस यू। या शी जस्ट वॉचेस यू एंड शी बी लाइक कि ठीक है यार मेरा फेस देख लो तुम लोग और दे दो कुछ ना कुछ। लुक इन टू मी यार। गाइस आई नो आईडिया यू गॉट मी केक। इवन दो यू रैन इन फ्रंट ऑफ मी। Prekal took position. Yeah. Thanks, dear. You know how to sing the birthday song, Shruti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shalu. Happy birthday to you. Yeah. What's next? Many boyfriends to you. It's my birthday, Arjun. ये अगले महीने नहीं आएगा। अगले साल तो आएगा। Guys, it's my birthday today, and we are going to Edinburgh. We missed our train, but अच्छी बात ये है कि परीक्षित ने ऐसी ट्रेन बुक की थी जो हम कभी भी कोई से भी टाइम में जा सकते। मुझे पता था, so I took any day. Anytime. Yeah, I was getting ready and I wanted to also do the like get ready with me wala thing. So, and बहुत hodgepodge हो जाता है, मेरी dress भी फट गई थी तो मुझे सिलना पड़ा बैठ के। But anyway, आज ही जाएंगे, शाम तक वापस आ जाएंगे। Edinburgh is so beautiful, इतना सही। हाँ, gothic vibes देता है। It'll be अच्छा। I'm wearing a very edgy sort of outfit. We both are wearing leather jackets. Let's go. We reach Patek station. Guys, हम लोग train के अंदर हैं। यहाँ से हमें Queen Street station पे उतरना है। चेंज द ट्रेन। ये हलवा करके एक स्वीट डिश है, इट्स अ यूक्रेनियन डिश जो मुझे लीजा ने बर्थडे गिफ्ट किया है, एंड आई एम गोना हैव दिस एज माय ब्रेकफास्ट। मैं और परीक्षित खाएंगे दोनों। अरे वाह, सैनिटाइजर एंड ऑल द, ये हृदय परिवर्तन कैसे। We're gonna have our breakfast at Society Bar and Kitchen. It's windy today, but look at the view, guys. What is this? It's so sundar. We got tables for us and kafi crowded hai. The city is very touristy now, so hamesha hi bhid rehti hai yahan pe. Abhi hum log brunch karenge and then we will explore. Parikshit ka khana zyada delicious lag raha hai, guys. Mujhe ye chahiye. Can I have it? And this is my food. Very few people get the bacon right in the sandwich. हाँ, get the amount of sugar Parikshit likes to have. ये तीन उसने use कर लिए और तीन और use करने वाले ना। No, because this is a weird thing in UK. क्या? In order to make it taste as sweet as I used to have in India, if I used to sachets in India, I have to use at least 6 here in the UK. I'm gonna taste it and tell you.
एक्चुअली यहाँ लोग स्कॉट मॉन्यूमेंट देखने के लिए आए हैं। हम लोग ऐसे गार्डन में बैठे हुए हैं और वो देखो लिविंगस्टन स्टैचू के ऊपर बैठ गई वो सीगल, और कितना गंदा कर दिया उसने वो स्टैचू को। व्हाट इज दिस और व्हाट अ व्यू। मैं यहाँ पे लोगों को देख रही हूँ वो पिकनिक भी मना रहे बैठ के। अभी हम लोग वहाँ थे, पूरा वॉक करके हम लोग इस तरफ आए एंड देन वी हैव टू वॉक ऑल द वे अप देयर। वहाँ जाना है मुझे ना, देखना है वो कैफे जहाँ पे जे के रॉलिन ने हैरी पॉटर लिखी थी। वी आर गोइंग देयर। व्हाट्स द कैफे कॉल्ड? Yes. The walking up Playfair steps now. अरे क्या इंडियन रेल वाली आवाज क्यों आने लगी? Rather fast. ज़्यादा steps नहीं है. And good that we are wearing comfortable shoes. 10 steps चढ़ने के बाद आपकी influencer शालिनी मंडल की हालत। चढ़ना इस मुश्किल, okay? हाँ, इनको तो पता नहीं था। Green it is, guys. देख रहे हो फूल पत्ती सब, and so aesthetic, so beautiful. नो पब्लिक एक्सेस। हम यूनिवर्सिटी देखने के लिए आए थे। दिस इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा। लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग इन दिस फ्रेम। बट हम जा नहीं सकते, कोई बात नहीं, वी हैव अदर प्लेसेस टू कवर। हम लोग वहाँ से चल चल के यहाँ तक आए और अभी हमें और ऊपर चढ़ना है। ये एरिया ना हिली एरिया है, पर हम कैसल की तरफ जा रहे हैं ना। द स्ट्रीट्स आर सो बिजी राइट नाउ। There are so many people you guys can see behind me, even though it's a Thursday. So fascinating ki ye hill bhi nahi rahi hai aur this is a real person. People have come with their dogs. Look. He's so happy. Look at his tail. His fur is so funny. Hello. Hello. They're having a good day. We made it to the castle. So फ्रिंच फेस्टिवल होने वाला है ना, इसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे ये बैरिकेड्स ऐड कर दिए, बैठने के लिए जगह वगैरह ऐड कर दिए, तो यहाँ पे फायर वर्क वगैरह और शो वगैरह होता है उसके लिए। बट दैट्स द कासल, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मेरे को ना बचपन में ऐसी फैंटेसी लगती थी लिविंग इन अ कैसल, अच्छे कपड़े पहनना, 10 लोग आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, राजा महाराजों वाली फील। पर हम लोग अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि एक पूरा दिन लग जाएगा घूमने के लिए। मैंने अपने लिए स्ट्रॉबेरी कूलर लिया, यहाँ से कैसल के बाहर ही ये डेरी आइसक्रीम। मेरा स्ट्रॉबेरी कूलर बेसिकली बर्फ है, बर्फ 350 रुपये का बर्फ विथ सम फ्लेवर। लोग ऐसे गिफ्ट शॉप के अंदर इस वक्त, एंड लुक How cute is this guy? भाई का गुस्सा खराब है। Is this slippers? मुझे magnets लेना है, but परी बोला नहीं यहाँ से मत लो, बहुत expensive है, यहाँ से मत लो। कितने सुंदर सुंदर magnets हैं, fish magnets। These are all tourist prices. तो फिर कहाँ से लेंगे? I'll tell you where to buy it. अगर मैं बिना magnet के घर गई। And because you'll have to buy it in bulk, right? Because This is what we usually give to people. We were there up in the hill and then we walked down here and ab hum log ja rahe hain us taraf. We are going to go inside the cathedral right now, jo aap log hamare piche dekh sakte ho. It's a 900 year old cathedral. When I was walking the cathedral, I just realized how many centuries it has seen already. It gave me goosebumps. And I was looking at the architecture, stained windows, kuch 19th century purane the, 20th century ke the. Also, Queen Elizabeth's coffin was at rest in this cathedral in 2022. Cathedral ke andar hi we saw Thistle Chapel. It's a special place where member of the Order of the Thistle, which is the highest honor in Scotland, are celebrated. So basically, jinhone kuch significant contribution kiya hoga in public life or who have served in the monarchy, they get this order. Aur ye jo badge like ornament aap dekh rahe ho na, these are called coat of arm jo ki present kiya jata hai in this order. The oldest one is from 1348. Achhe se ceremony vagaira hoti hai to present the order, and latest one is what Queen Camilla got when she was appointed for the Order of Garter in 2022. This is her order aur ye wo jagah hai jahan pe wo baithti hai. And coat of arms mein na pehle ladies allowed nahi thi until recently, which is so fascinating to just know and just look up. It's so beautiful. Main dekhti rehti hu aur main dekhti reh jati hu cheeze, aur especially jo stained glasses hoti na wo dekh ke mujhe kafi fascinating lagta hai ki kaise kiya hoga, kaise bariki se kaam kiya hoga sab kuch. It's so high up. That's the back of the cathedral jiske andar abhi hum log the, and ye rahe Mr. Adam Smith. Ye aapke business school ke Adam Smith.
So he's the father of the modern economy and founder of my alma mater, that's Adam Smith Business School. Yes. It's a happening place lag raha hai. We are at one of the most famous streets called Victoria Street, and this is so beautiful and everything feels so colorful. I mean, I think Edinburgh ka ye wala hissa na jo kafi colorful dikh raha hai. It's a World Heritage Site, and the Diagon Alley from Harry Potter series actually inspired from this street. We made it! Ye wahi jagah hai jahan pe Harry Potter likhi gayi thi. I wanna go inside and see inside. 12 seconds later. Guys, I took a video bahar se cafe ka, but andar band ho gaya. 6 baje band ho jata, so I couldn't see the place. We are here. Near Grass Market Square, and we have to go to the botanist. चल चल की 21 minutes. चलो ना let's go. 1.5 kilometers. So यहाँ पे हम कर रहे हैं हमारा dinner, the botanist. अंदर का aesthetic is very green green. बाहर का भी काफी green green है, हरा भरा. मेरी सांसें पता नहीं क्यों फूल रही हैं. मेरे पैर में थोड़ा दर्द होने लगा है. I just told the person who was serving us that it's my birthday, so उन्होंने मुझे complimentary champagne दिया, Prosecco champagne. This is. Do a taste test, guys. Our food is here. This is my birthday dinner. This is hanging kebab, chicken kebab with fries. यहाँ पे लोग इसको chips भी बुलाते हैं, and I ordered some veggies. Taste test. I need thoda namak and thoda masala. Baki sab sahi hai. Korean style barbecue chicken is really very tasty. This is nice, na? Spicy, na? Kafi rich. Guys, I'm in the washroom right now. But the thing is, I wanted to end this birthday vlog. We are heading home now to Glasgow. Train hai hamari 1 ghante ki. It was such a good birthday. I had the best time. I was just free bird exploring the city and was being myself. Thank you so much for watching. SR content ke liye subscribe kar do, and I'm gonna see you guys soon with brand new content on my channel. Bye everyone, take care.